Tech ecosystem is losing its sleep over RBI's 20th June notification which bans loading of PPIs or prepaid payment instruments via credit lines. In the meantime, they also plan to write to the PMO, Finance Ministry and the RBI Governor. Industry experts say this move by the central bank may impact the 8 to 10 million customers in the BNPL universe. दोस्तों इससे पहले मैं ऑलरेडी यूनिकार्ड के ऊपर कई सारी ऐसी वीडियो बना चुका हूं जिनके अंदर मैंने आपको यह अवेयर किया था कि यूनिकार्ड को लेना कितना बड़ा गलत डिसीजन हो सकता है इसको लेने से पहले बहुत बार आपको सोचना चाहिए और आप लोगों ने उन वीडियो को इतना सारा प्यार दे के ये साबित भी कर दिया है कि आप लोग काफी स्मार्ट यूजर हो आप कोई भी डिसीजन गलत नहीं ले सकते और यह साबित कर दिया है आरबीआई की गाइडलाइन ने जो जून महीने के अंदर आई थी जिसके तहत डबल पी आई यानी प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स जो पे लेटर कार्ड्स होते हैं उनको इश्यू करते हैं उनको बैन कर दिया था आर ने आर की इस पॉलिसी के तहत जितने भी पे लेटर कार्ड है यूनिकार्ड है स्लाइस कार्ड है लेजी कार्ड इस टाइप के जितने भी कार्ड है उनको जो है बंद करना था अगस्त महीने के अंदर यूनिकार्ड की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है जिसके अंदर यूनिकार्ड ने कहा है कि वो अपना टम्प्रेरी जो दो कार्ड है उनको अभी क्लोज कर रहे हैं पहला जो है यूनि वन थर्ड कार्ड और दूसरा जो है यूनी ऑफ कार्ड जो है उसको अभी टम्परेरी सस्पेंड कर रहे हैं आप में से कई सारे जो यूजर हैं व्यूअर हैं भाई हैं उनके कमेंट आए हैं वो ये जानना चाहते हैं कि क्या इस सस्पेंशन के बाद जैसा कि कंपनी ने कह दिया है क्या वो दोनों ही कार्ड बंद कर रहे हैं क्या आपको यूनिकार्ड की पेमेंट अब नहीं करनी है आज इस वीडियो में ये आपके साथ शेयर करने वालों की यूनिपे की तरफ से जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आई वो क्या है और क्या आपको अब आप जो यूनिपे कार्ड अगर आपने ले रखा था उसको यूज किया है तो क्या उसकी पेमेंट करनी है कि नहीं करनी है दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा क्या आपने यूनिपे कार्ड को जो है यूज किया है आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है कमेंट कर कर जरूर बताएं सबसे पहले बात कर लेते हैं यूनिपे कार्ड की तरफ से जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है आपके पास भी आई होगी उसमें क्या लिखा है दोस्तों यहाँ स्क्रीन पे आपको जो है यूनिक्ड की तरफ से जो एक लेटर इश्यू किया गया है वो दिखाई दे रहा है यहाँ पर इस लेटर में यूनिकार्ड ने ये शेयर किया है कि ड्यू टू लेटेस्ट आरबीआई गाइडलाइन ऑन डिजिटल लैंडिंग योर कार्ड इज टेम्परेली इन रेस्ट रेस्टोर वी आर वर्किंग विद आवर बैंकिंग पार्टनर टू रिज्यूम कार्ड सर्विस एज सुन एज पॉसिबल यहाँ पर यूनिकार्ड ये शेयर करा है कि आरबीआई की जो गाइडलाइन है उनके अकॉर्डिंग आपका जो कार्ड है अभी टेम्प्रेरी इनएक्टिव किया जा रहा है बैंकिंग पार्टनर के साथ यूनिकार्ड जो है बात कर रहा है जैसे ही किसी कंपनी के साथ जो है ये कार्ड की बात होती है सर्विस प्रोवाइड करने की बात होती है तो आपका जो कार्ड है उसको रिज्यूम कर दिया जाएगा कैन आई स्टिल यूज यूनी फॉर टाइम बिंग यस आप अपने कार्ड को टाइमिंग यूज कर सकते हैं योर आर यूनिकस विल वर्क एज यूजल यू कैन यूज़ इट टू ट्रांसफ़र करेडिट डायरेक्टली टू योर बैंक अकाउंट आपका जो यूनी कैश कार्ड है उसको यूज़ कर सकते हो इस बैलेंस को आप अपने बैंक में डायरेक्टली जो है ट्रांसफर कर सकते हो वी आर एक्सटेंडिंग ए जीरो कन्वेंस फीस लिमिट ऑन यूनिकैश टिल ट्वेंटी फर्स्ट सेप्टेंबर दो हज़ार बाईस इक्कीस सेप्टेम्बर दो हज़ार बाईस तक आपको इसके ऊपर कोई भी फीस नहीं देनी होगी प्लीज़ नॉट देयर विल बी नो चेंज टू योयर बिलिंग एंड रीपेमेंट्स यहाँ पर आपको ये नोट जरूर करना है इस स्टेटमेंट में ये बताया गया है कि आपका जो बिलिंग साइकिल है और जो रिपेमेंट साइकिल है वो कोई भी चेंज नहीं किया गया है मेन वाइन वी आर बिल्डिंग समथिंग रियली एक्साइटिंग फॉर यू और हम कुछ एक्साइटिंग जो आपके लिए बिल्ड कर रहे हैं लाइक ऑलवेज हमेशा की तरह इट्स फर्स्ट ऑफ ऑल काइंड एंड नवर बीन डन व्योर ये पहली बार ऐसा होगा इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं किया गया है दोस्तों स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग यूनी कार्ड ने अपने दोनों ही कार्ड को टम्प्रेरी सस्पेंड कर दिया है और मीन वाइल कंपनी जो है किसी बैंक के साथ टाइप कर रहा है अगर कंपनी किसी बैंक के साथ टाइप कर लेती है तो आने वाले टाइम में आपके इन कार्ड की सर्विस को जो है रिज्यूम कर दिया जाएगा अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि अगर आपने यूनिकार्ड लिया था उसकी कोई ट्रांजेक्शन कर ली है तो क्या आपको यूनीपे कार्ड की पेमेंट अब नहीं करनी है जैसा कि स्टेटमेंट में बताया गया है या जैसे लॉ में लिखा हुआ है जैसे रूल में लिखा हुआ है किसी भी कार्ड को अगर आप यूज कर लेते हैं प्रीपेड कार्ड की कोई भी ट्रांजेक्शन कर लेते हैं तो वो कार्ड आप जब तक अपनी सिविल से नहीं हटा पाएंगे जब तक आप उसकी पेमेंट को जीरो नहीं कर देंगे और इस स्टेटमेंट में ऑफिशियल स्टेटमेंट जो यूनिट कार्ड की तरफ से आया है इसमें भी यही बताया गया है कि आपकी स्टेटमेंट साइकिल जो था वो अभी बंद नहीं हुआ है अगर आपने कोई भी जो ट्रांजेक्शन की है उसकी पेमेंट आपको जरूर करनी होगी हाँ इन फ्यूचर आप उस कार्ड को यूज नहीं कर सकते ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते जब तक यूनिकार्ड जो कंपनी है किसी बैंक के साथ नहीं कर लेती है और आपकी जो कार्ड की सर्विस है उसको रिज्यूम नहीं कर लेती है तो अगर आपने ये भी सुना है कि ने इनकी सर्विस को बैन कर दिया है यूनिपे कार्ड की पेमेंट नहीं करनी है तो ऐसा मत करना ये आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा आपके सिविल में जो इनकी नॉन फाइनेंस कंपनी थी वो रिपोर्ट करती रहेगी सिविल को डाउन करेगी तो आपने जो भी ट्रांजेक्शन इस कार्ड से किए उनकी पेमेंट आपने स्टेट डेट पे जरूर कर देना उसकी पेमेंट को स्किप नहीं कर देना दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी वीडियो से आपको जो है इंफॉर्मेशन मिली होगी इसी बात पर प्लीज वीडियो को जो है लाइक कर देना पे नए हो तो नीचे लाल पे सब्सक्राइब का उसको जरूर दबा लेना और कोई सवाल है अगर आप एच बैंक में अकाउंट ओपन कर चुके हैं और आप इंटरनेट बैंकिंग में जो है लॉग इन नहीं कर पा रहे कस्टमर आई आपके पास नहीं है तो कैसे आप पा सकते है? उस वीडियो का लिंक आपको यहां मिल जाएगा इस वीडियो के बाद उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा